अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल करवा सकते हैं पाकिस्तानी। तो वन ईयर के लिए वैलिड होता है। आपने सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे DLIMS लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों ने ये नीचे आपके पास ये वेरीफाई का फर्स्ट ऑप्शन है वन, और ये सेकंड नंबर जो है DLIMS.punjab.gov.pk पीके के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, और ऊपर जो था वो वेरीफाई का लिखा हुआ था। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लाइसेंस इन्फो पे आना है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरनेशनल लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये देखें डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं वो आ गए हैं। रिक्वायर्ड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म विद इन फाइल कवर, ये आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए फाइल कवर के साथ। एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए शनाख्ती कार्ड की। उसके अलावा कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो उसको आप लोगों ने रीन्यू करवा लेना है पहले, क्योंकि एक्सपायर जो है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वैलिड जो होगी, अगर डेट उसकी होगी, वो आप लोगों ने रीन्यू करवाना। रीन्यू करवाने के बाद उसकी जो कॉपी होगी वो साथ लगवानी है। अ कॉपी ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी फ़ोटो कापी। उसके अलावा टू अटेस्टेड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, दो जो है वो अदद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और 66 जो है वो रुपीज़ चाहिए कोर्ट फी टिकट। एप्लीकेंट विल ब्रिंग हिज ओरिजिनल CNIC ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट विद हिम, ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और साथ में जो है वो ID कार्ड CNIC, ये तीनों चीज़ें आपने ओरिजिनल लेके जानी है, नहीं तो आपको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है। और इसके अलावा जो है वो आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने अगर कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना है, ये देखें, ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म है, ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूअल फॉर्म है, डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर्म है, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल के लिए डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्म जो है ये ओपन कर लेते हैं इसको, जो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाता है अभी। ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। ये इस तरह से नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, फुल प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाएगा, वैलिड अप टू आ जाएगा, आई इंटेंड टू गो टू, और ईयर सिंसेयरली, नीचे सिग्नेचर है, एड्रेस है, परमानेंट नंबर, ये ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफ